Children's School and UKG Kids, how are you? Additional activity के नाम सुनते ही बिल्कुल आप लोग एकदम आगे आ जाते हो भागकर. And I can see you all. मैं सबको देख सकती हूँ कि बिल्कुल सबको एकदम curiosity हो गई है कि अब हम क्या बात करने वाले हैं. बहुत अच्छी और healthy वाली हम लोग बात करने वाले हैं. This is all about healthy food. ये हम लोग healthy food के बारे में बात करने वाले हैं. So this conversation will be with parents and with kids. ये of course इस तरीके से आप लोग start करेंगे. Parents will tell the child about healthy food. Parents, बिल्कुल हर parent ये चाहता है. मैं हर बार हर चीज़ को ये बार बार repeat करती हूँ कि हर parent चाहते हैं कि उनके जो babies हैं वो healthy food की तरफ उनका interest develop हो और वो अच्छा खाना खाएं. ये हर पेरेंट चाहेंगे. तो इसलिए ऑफ कोर्स पेरेंट्स जो हैं, आई नो छोटा स्कूल नो, कि दे विल ट्राई देयर बेस्ट. वो करेंगे इस चीज़ को और वो इस कॉन्वर्सेशन को बिल्कुल अपने बेबीज़ के साथ में करेंगे ताकि उनकी एक अच्छी हेल्दी फूड की जो हैबिट है वो डेवलप हो. डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड, हमने ये कॉन्वर्सेशन स्टेप बाई स्टेप इस तरीके से चलानी है. डिफरेंट टाइप ऑफ फूड, सो देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड विच कॉन्ट्रीब्यूट टूगेदर इन ओवरऑल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ आर बॉडी. आपको बताना है कि डिफरेंट काइंड ऑफ फूड होते हैं, मतलब एक तरीके का खाना नहीं होता ना. दाल अलग है, चावल अलग है, चपाती अलग है, लाइक दिस. और वो जितना भी सारा खाना फूड होता है वो ओवरऑल ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है. अब ओवरऑल ग्रोथ क्या होती है? ओवरऑल ग्रोथ होती है पूरी की पूरी बॉडी की ग्रोथ, यानी कि आपके माइंड की, आपके दिमाग की, आईसाइट की, टीथ की, एवरी पार्ट ऑफ योर बॉडी, लाइक दिस. मतलब आप उनको बिल्कुल इस तरह से समझा सकते हैं कि आप पहले बहुत छोटे से टाइनी से बेबी थे, अब आप ग्रो कर गए हैं, अब आप टॉल हो गए हैं और अब आप पहले से ज़्यादा स्ट्रेंथफुल हैं. तो इस तरीके से वो क्यों हैं? क्योंकि आपने अच्छा खाना खाया है, हेल्दी फूड खाया है इसलिए. और हेल्दी फूड ही आपको ये सब चीज़ें इम्प्रूव करने में हेल्प करता है. सो दीज इंक्लूड वेजिटेबल, फ्रूट्स, ग्रीन, यू नो, सेरेलेक, पल्सेस, डेयरी प्रोडक्ट्स. आपको एक बहुत मज़ेदार बात बताती हूँ. जब शिल्पा मैम छोटी सी थी ना, छोटी बेबी थी, तो उनको सेरेलेक बहुत पसंद था. मुझे आज तक याद है, आई लव्ड सेरेलेक. सेरेलेक इज फुल ऑफ प्रोटीन एंड फुल ऑफ न्यूट्रिशन, जिसको आप कहते हैं, वो उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं. फ्रूट्स में, ग्रेन में, आप सबको मालूम है, पल्सेस में, दाल वगैरह जितनी भी होती हैं, ये सब कुछ अच्छा है. तो बेबीज़ आप प्रॉमिस करेंगे कि ये सब चीज़ें आप हेल्दी फूड खाएंगे. आई कैन हियर योर वॉइसेस, यस. ग्रेन्स, दे प्रोवाइड एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स. ग्रेन्स जो हैं उनमें बहुत 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 ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होता है, जो होता है न्यूट्रिएंट्स, जो चीज़ें होती हैं वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं. वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, इनमें क्या क्या होता है? दे प्रोवाइड फाइबर्स, मिनरल्स रिक्वायर्ड फॉर द बॉडी. अच्छा, वेजिटेबल एंड फ्रूट्स में आपने देखा होगा कि थोड़ा सा कंटेंट जो है वो वाटरी होता है, थोड़ा सा उनमें पानी भी होता है. तो इसलिए उनमें जो मिनरल्स बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं वेजिटेबल्स और फ्रूट्स में, और इसी वजह से आपकी स्किन, आपके हेयर, आपकी बहुत सारी चीज़ें वो बहुत कुछ प्रोटेक्ट करती हैं. मिल्क गिव्स अस कैल्शियम एंड मेक्स आर बोन्स स्ट्रॉन्ग. मिल्क जो है, शिल्पा मैम को मिल्क बहुत पसंद है, एंड इन एवरी फ्लेवर ऑफ मिल्क, यू नो, चॉकलेट मिल्क, चॉकलेट फ्लेवर का मिल्क, या फिर आप में उसमें बहुत सारे फ्लेवर्स और भी ऐड कर सकते हैं, बॉर्नवीटा, जो भी फ्लेवर आपको पसंद है. सो बेबीज़ मिल्क जो है एक्चुअली वो बहुत अच्छा होता है. मिल्क से हमें क्या मिलती है? कैल्शियम. और हमारी बोन्स क्या बनती हैं? स्ट्रॉन्ग. मिल्क से क्या बनती है हमारी बोन्स? स्ट्रॉन्ग. हड्डियाँ मजबूत बनती हैं, स्ट्रॉन्ग बेबीज बनते हैं. सो मोस्ट, यू नो, ये दे आर फुल ऑफ प्रोटीन्स. जो है ये आपका जो है मीट, मीट एंड मीट एंड बीन्स जो हैं ये प्रोटीन्स से फुल होती हैं. जो लोग नॉनवेज खाते हैं, ये मैं उनके लिए बात कर रही हूँ कि मीट और ये मीट और ये जो चीज़ें होती हैं नॉनवेज,
इनमें भी फुल ऑफ प्रोटीन्स होता है। ओके, सो सच टाइप ऑफ फूड नॉट ओनली डेवलप आवर बॉडी बट ऑल्सो डेवलप आवर ब्रेन। बिल्कुल, इस तरीके का जितना भी खाना होता है वो सिर्फ हमारी बॉडी के लिए, वो तो होता ही है, वो बिल्कुल होता है, लेकिन हमारा जो ब्रेन है, और आप लिटिल बेबीज़ के साथ जो भी कॉन्वर्सेशन करेंगे डियर पेरेंट्स, तो आप इस तरीके से आप उनको समझा सकते हैं कि आपके ब्रेन की डेवलपमेंट इससे होती है, तो आप और अच्छा सोच सकते हो, आप और अच्छा जो है एक्टिविटीज़ और अच्छी कर सकते हो, और छोटा स्कूल की एक्टिविटीज़ और भी वो अच्छे से आप कर सकते हैं। बिल्कुल, और क्रिएटिव आप बनेंगे अगर आप हेल्दी फूड खाएंगे तो, और हेल्दी फूड तो हमें खाना ही है। लाइक दिस, सो डेयरी प्रोडक्ट्स की अब हम बात करते हैं। डेयरी प्रोडक्ट्स आर द प्रोडक्ट्स मेड आउट ऑफ मिल्क। डेयरी प्रोडक्ट जो हैं वो मिल्क प्रोडक्ट होते हैं। अब क्या क्या चीज़ें होती हैं, हमारा जो कर्ड है, दही, घी, पनीर, चीज़, आइसक्रीम शेक्स, आइसक्रीम शेक मैं बोल रही हूँ, आइसक्रीम शेक्स एट्सेट्रा, दे आर फुल ऑफ कैल्शियम एंड मेक आर बोन्स एंड टीथ स्ट्रांग। टीथ भी स्ट्रांग होते हैं आपके, पता है आपको, मिल्क प्रोडक्ट से आपके टीथ, डेयरी प्रोडक्ट से आपके टीथ, दांत मजबूत होते हैं और वो फुल ऑफ कैल्शियम होते हैं, क्योंकि वो मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, एज आई टोल्ड यू बिफोर ऑल्सो। तो प्रॉमिस करेंगे कि हम लोग हेल्दी फूड खाएंगे और सारे वायरसेस को हम बिल्कुल पीछे भगा देंगे। सो लेट्स एन्जॉय दिस कॉन्वर्सेशन विद आर किड्स।